नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के नए व्लॉग में। और मैं हूं आपका अपना निकेत। और आज हम करने वाले हैं हमारे दो प्यारे कैट्स के साथ मीटअप। ऑफिशियली तरीके से आप सभी का मीटअप होने वाला है हमारे प्यारे दो बिल्लियों के साथ। तो चलिए आप सभी को हम मिलाते हैं। ये आप देख रहे हैं श्रीमती मिल्की जी को, और लगभग एक वर्ष होने जा रहे हैं इनको। एक फीमेल कैट है, और अभी आप देख पा रहे हैं, करीब से देखेंगे, निद्रा के मुद्रा में यहाँ पर बैठी हुई है आराम फरमाते हुए। तो चलिए अब दूसरे साथी से मिलते हैं, और ये हैं श्रीमान टाइगर महोदय, जिनको लगभग दो वर्ष होने जा रहे हैं। और यह भी कुछ खास नहीं कर रहे हैं, बस सोकर उठे हैं और सोने की तैयारी में हैं। कैमरा में हाय बोल दीजिए टाइगर महोदय। आपको दर्शक देख रहे हैं, आप उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे? कैमरा की तरफ देखकर कुछ कहिए टाइगर महोदय, दर्शक आपकी ओर देख रहे हैं। देखिए कितने मौन तरीके से बैठे हैं सर, और यहाँ पर सर झुकाकर नमस्ते कर रहे हैं आप सभी को। तो ये तो हैं हमारे दो कैट्स, देखा आपने, एक मेल है एक फीमेल है। वाइट वाला जो है वह फीमेल है मिल्की, और जो जिंजर कलर का है वह टाइगर। सफ़ेद कलर होने की वजह से उसका नाम मिल्की रखा गया है, और इसका नाम पता नहीं क्यों रखा गया है, लेकिन टाइगर रख दिया गया है। और कुछ विशेषज्ञों की माने तो इसे ब्रूनो भी कहा जाता है, लेकिन टाइगर नाम मेरे द्वारा दिया गया है, तो हम इस वीडियो में और आगे भी इसे टाइगर के नाम से ही पुकारेंगे। और आज हम देखेंगे कि क्या दिनचर्या होती है इन दो बिल्लियों की। तो बने रहिए और आगे हम आपको दिखाते हैं। वैसे तो कुछ खास नहीं होता है, 15 से 16 घंटा सोने का कार्यक्रम होता है, और बचे टाइम में खाने की तलाश या खाना खाना या सोने की कोशिश करना, इस प्रकार का दिनचर्या रहता है। अभी दोनों ही काफ़ी आराम की मुद्रा में है, इस वजह से एनर्जी आपको देखने को नहीं मिली होगी। तो मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊंगा कैसे इनका दिनचर्या रहता है। तो देख पा रहे हैं फिर से सोने की तैयारी में है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कुर्सी पर विराजमान है, और अब सोएंगे, सोके उठे हैं, फिर सोके उठेंगे। और ये देखिए मिल्की जी सो रहे हैं, इनका निद्रा अवधि प्रारंभ हो चुका है, अब देखते हैं कब उठेंगे। तो अभी मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, जो पहला पार्ट आप सभी ने देखा, जिसकी कहानी उसकी जुबानी का मुखर मिटान चैनल में, उसका दूसरा पार्ट अभी आना बचा है। तो उसका जो बचा हुआ काम है एडिटिंग का, वो मैं ख़त्म करता हूँ, और उसके बाद उसको भी आप सभी के बीच प्रस्तुत करना है। तो ये आप देख पाएंगे, तो आप देख सकते हैं बात कुछ इस प्रकार है कि दूसरा पार्ट यहाँ पर उसकी एडिटिंग चालू हो गई है, जो कि थोड़ा सा देर हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, आप सभी के भी जल्द ही आ जाएगा। तो अभी मैं अपना काम यहाँ पर फिनिश करता हूँ, दूसरे पार्ट की तैयारी। तो एडिटिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, उसमें थोड़े से और क्लिप्स डालने होंगे, जो कि एक हमारे मित्र गण हैं जिनके कारण थोड़ा विलंब हो रहा है। हमने उन्हें बहुत दिनों से निवेदन किया है कि आप हमें वह क्लिप दे दीजिए, लेकिन अब तक हमें मिल नहीं पाया है। वो स्टार्टिंग में लगने वाला है, आप उसे वीडियो में देख ले। और पिछली बार थोड़ा सा ऑडियो में भी गड़बड़ी था, इस बार हमने उसे ठीक करने का प्रयास किया है, देखते हैं कितना हो पाता है, आप लोग बताएंगे। क्योंकि हमसे गलती हो गई थी पिछले बार, हम जब इंटरव्यू लेने गए थे तो माइक हमारा चालू नहीं था, वो तो हमारे दूसरे माइक से हमने ऑडियो कैच कर लिया था, और उसी की बदौलत मेरा आवाज़ भी उसी में आया था। तो थोड़ा बहुत गलतियाँ हुई हैं, आगे हम उसको ज़रूर सुधार करेंगे। और इस बार थोड़ा सा मैंने ऑडियो को भी ठीक करने की कोशिश की है, आप वीडियो में ज़रूर देखें। और देखते हैं हमारे दो साथी टाइगर और मिल्की अभी क्या कर रहे हैं, कोई सरप्राइज़ नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। जैसा कि हमें मालूम ही था, मिल्की देवी जी सो रही हैं अपने दिन का महत्वपूर्ण कार्य करती हुई, निद्रा का। और चलिए देखते हैं माननीय टाइगर महोदय जी क्या कर रहे हैं। और देखिए जैसा कि हमने अनुमान लगाया था, कोई सरप्राइज नहीं, टाइगर महोदय भी यहाँ पर सो रहे हैं, और कुत्तों की आवाज़ से उठ गए हैं थोड़ा सा, लेकिन फिर सो जाएंगे।
और घर के आगे का हिस्सा टाइगर के टेरिटरी में आता है और पिछला हिस्सा मिल्की के, दोनों ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। और चलिए उठते हैं, फिर कुछ करते हैं, देखते हैं, खाना वाना खिलाएंगे, अभी तो सो रहे हैं, सोने दिया जाए। ये देखिए मिल्की देवी उठ चुकी है और पुकार भी लगा चुका है उन्होंने खाने का, तो चलिए इन्हें खाने के लिए दिया जाए। ये चिकन का ग्रेवी है जो कि पैकेट में आता है, से हमने अलग से खरीदा हुआ है। साथ ही ड्राई फ्रूट भी होते हैं इनका, जो दाने आते हैं तो दोनों का मिक्सचर दिया जाता है, और कभी कभी चिकन वगैरह भी हम खिलाते हैं। ड्राई और वेट का मिक्सचर होना चाहिए, इससे कैट की हेल्थ पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। और सिर्फ ड्राई फ्रूट खिलाने से लीवर में किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है, और वेट फूड खिलाने से क्या होता है, पानी भी कम पीते हैं, तो हम ड्राई और वेट का मिक्सचर रखते हैं तो वेट में थोड़ी लिक्विडिटी होती है, तो जिससे वो पानी का भी काम कर लेते हैं। तो आप अभी देख रहे हैं कितने अच्छे से खा रही है, देख सकते हैं पूरा तरल पदार्थ जो इस ग्रेवी का था उसे सफा चट कर गई है मिल्की ग्रेवी, लेकिन जो सॉलिड पार्ट है उसे छोड़ दिया उन्होंने। और उसके पश्चात आप देख पा रहे हैं अपना ग्रूमिंग का कार्य कर रही है। आप सभी को पता ही होगा कि बिल्लियाँ साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, जहाँ कहीं भी अगर उनके बॉडी में ये ग्रेवी का कोई पार्ट लगा हो उसे पूरा साफ कर लेंगी, और जीभ से ही अपना कार्य करती है। अभी हम मिल्की देवी को छोड़ेंगे, और जैसे ही हम छोड़ेंगे आप देखना यह विचरण करने छत की ओर भागेंगी। आप देखेंगे, अभी मैं यहाँ पर जैसे ही इस रस्सी को छोड़ूंगा, और ये आप देख पाएंगे धीरे धीरे हल्के हल्के और तेजी से चले गई है। गिरने का खतरा है, लेकिन यहाँ पर कूद देने पर ऊपर चढ़ने की कोशिश ना करें भैया, ऐसा नहीं है भाई, दिन भर सोने का कार्य नहीं रहता, थोड़ा एनर्जी आती है, पेंट एनर्जी, उसे निकालने का भी कार्य करती है दौड़ भाग कर, और उसी के अंतर्गत अभी आप देख पा रहे हैं। और बादल कितने सुंदर आज दिखाई दे रहे हैं, काफी अच्छे बादल दिख रहे हैं, आप देख पाएंगे आसमान में। और ये तो है, और टाइगर महोदय अभी तक सो रहे हैं। आप सभी को बता दूं कि बिल्लियां जो होती हैं वो शिकार करने वाली जानवरों में आती हैं, तो ये शिकार की तलाश करती रहती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे टिड्डे उड़ रहे हैं हवा में, उनको देख कर ये शिकार करने का बना रही है। एक व्लॉग है, ये मूवी नहीं है, अन्यथा हम बहुत कुछ दिखा सकते हैं। धीरे धीरे आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे, और आज के लिए इतना काफी है। काफी अच्छा बादल दिख रहा है बैकग्राउंड में। चलिए अलविदा लेते हैं और मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ नया लेकर, और तब तक के लिए आप सभी से अलविदा लेते हैं। बाय बाय।